हाँ जी, चालू करें। तो क्या चल रहा था हमारा? टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। चलिए, लास्ट में जो क्वेश्चन करते हैं उसी टाइम को और लिखो सवाल आप। एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर अपनी वास्तविक चाल को 20% बढ़ाकर चलता है। तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसका उस स्थान पर पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर अपनी रियल चाल को बढ़ा के चल रहा है वो, और कितनी बढ़ा के चल रहा है वो? 20%। इसका मतलब यह हुआ कि यदि उसकी वास्तविक चाल और वर्तमान चाल, दो बातें हो रही हैं यहाँ पर। अगर चाल की बात करता हूँ मैं, तो अगर वर्तमान चाल वास्तविक 100 मान लें हम, तो वर्तमान में कितनी बताओ? 120 है। इसको मैं और काटना चाहूं तो 5:5 क्या कह सकता हूं, इसको 6 कह सकता हूं। तो ये तो चालों का रेशो है। चालों से हम किस पर आ सकते हैं? टाइम पर आ सकते हैं। तो बताओ टाइम का रेशो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब यहां देखिए, आप 16 मिनट पहले पहुंच रहे हो। पहले पहुंचना, लेट पहुंचना, डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 16 मिनट। जब 1 का मान 16 मिनट है, तो हमें चाहिए वास्तविक समय। वास्तविक तो ये रहा, समय ये रहा। किसका मान चाहिए? 6 का। 6 से इंटू कर दो तो रियल टाइम आ जाएगा हमारे पास। वास्तविक समय बराबर 16 × 6, बताओ कितना होता है? 96 मिनट। और 96 मिनट को क्या कह सकते हैं हम? 1 घंटा 36 मिनट, या 1 घंटा 36 मिनट समय दे रखा उसने, ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? अब ये कई प्रकार से सवाल आता है। सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं यहां पर कहता आपसे, भाई 16 मिनट पहले नहीं पहुंचता, यहां कहता 16 मिनट में पहुंचता है,
ध्यान देना सवाल की लैंग्वेज पर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कहता आपसे भाई एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर अपनी वास्तविक चाल को 20% बढ़ाकर चलता है तो वह उस स्थान पर 16 मिनट में पहुंचता है, तो इसका मतलब वर्तमान समय दे दिया उसने, 16 मिनट पहुंचता है, तो प्रेजेंट समय कौन सा है इसमें, तो 5 का मान 16 कहलाएगा फिर। अब इनका डिफरेंस क्यों ले रहा हूं मैं कि भाई इसमें पहले पहुंच रहा है, पहले पहुंचना लेट पहुंचना ये सब डिफरेंस होते हैं, इसलिए मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, पहले एक की वैल्यू कहलाएगी। फिर अगर मैं इसी में ये कहता हूँ इतने मिनट पहुंचता है तो फिर प्रेजेंट टाइम की वैल्यू कहलाएगी वो। ऐसा भी सवाल लिखो, एक लिखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर 20% घटा देते हैं, अब अपने जब 20% घटाकर चलता है तो उस स्थान पर चार 40 मिनट में पहुंचता है, तो यदि वह वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय बचता, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता तो उसका कितना समय बचता। तो पहली बात तो वही है, इसमें वास्तविक और वर्तमान। अब यहां 100 है तो ये बताओ 80 कहलाएगा, 5 4 कहलाएगा, तो बताओ समय क्या हो जाएगा, 4 5 कहलाएगा। मैंने आपको किसका मान दे रखा है, मैंने दे रखा है उस स्थान 40 मिनट में पहुंचता, तो वर्तमान समय दे रखा है आपको, वर्तमान समय क्या है यहां पर, तो 5 का मान दे रखा है मैंने आपको। और मैं कह रहा हूं अगर वो वास्तविक चाल चलता कितना समय बचता, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है वो भाई, 4 का मान पूछ रहा है, तो मैं वास्तविक समय पूछता आपसे, मैंने पूछा अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय बचता, तो अभी यहां पर 4 का मान तुम निकालोगे, 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, 4 की वैल्यू 32, तो 32 में पहुंचेगा, पहले कितने पहुंच रहा है वो 40 में, तो कितना समय बचता, पहले 40 पहुंच रहा था अब 32 पहुंच रहा है वो, तो कितना समय बचा 8, मतलब डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 5 की वैल्यू कितनी है 40, तो 1 की वैल्यू आंसर। कम लगना ज्यादा लगना बचना घटना ये सब डिफरेंस होते हैं। 5 का मान दे रखा है आपको 40 मिनट, 1 का मान 8 मिनट, तो वर्तमान समय निकाल लो चाहे तो आप, नहीं वास्तविक समय, वर्तमान दे रखा है मैंने आपको, वास्तविक समय कितना आया 32 मिनट आया, तो समय की बचत कितनी हुई 40 में से 32 घटाओ कितनी बचत हुई
8 मिनट, इस 8 को मैं डायरेक्ट बता रहा था आपको, 5 का मान दे रखा है, 1 का मान निकालना है, चाहे ऐसे निकाल लो, इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको ये। भाई पहले 40 लग रहे थे, अब 32 लग रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 8 आ रहा है, यही उत्तर है इसका। सही है, कितना समय बचता। सही है, आगे बढ़ जाएं। एक व्यक्ति किसी स्थान पर अपनी चाल को 40% घटाकर चलता है, 40% घटा रहा है अब, तो उस घटाकर चलता है तो 360 किलोमीटर दूरी को छह घंटे में तय करता है, यदि वो निश्चित स्थान कितना दूर है, 360 दूर है, और वो कितने घंटे में तय कर रहा है उसे, 6 घंटे में, तो उसकी वास्तविक चाल बताओ, रियल स्पीड क्या है। रियल स्पीड सही है। अब इसमें देखिए, उसने आपको दूरी दे दी, उसने आपको समय दे दिया, तो चाल आ जाएगी ना, कौन सी चाल आएगी इसमें, वर्तमान वाली या वास्तविक वाली। जब डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड प्राप्त हो जाएगी। स्पीड जो आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, वर्तमान या वास्तविक। वर्तमान, क्योंकि तो जाता है, ता है, ती है, ते हैं, कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट की, और ताती है आगे तो फिर तो इंडेफिनेट की, लेकिन हमारा तो है आ गया ना, है मीन्स प्रेजेंट, था मीन्स, और गा मीन्स, भाई है, था और गा, तीन ही बात तो है। अभी कह रहा है भाई इतनी दूरी इतने घंटे में तय करता है का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आप वर्तमान चाल निकाल सकते हो आराम से। वर्तमान चाल बताओ कितनी आ रही है, आप 360 में 6 का भाग देंगे तो बड़ी आसान आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने कहा है भाई एक व्यक्ति अपनी चाल को 40% घटा के चल रहा है, इसका मतलब यहाँ वास्तविक और वर्तमान। वास्तव में अगर 100 थी तो वर्तमान में बोलो 60, या 5 अनुपात कितना, 3, ये किसका रेशो आया, चाल का। अब इसको समय में बदलने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो चाली दे रखी है तुम्हें, चाली घुस रहा है वो, चाल कौन सी दे रखी है तुम्हें, प्रेजेंट, वर्तमान,
मतलब पांच कमान पता है कि तीन कमान पता है? तीन का। तीन कमान कितना है बताओ? 60। जब तीन कमान 60 तो एक कमान 20, एक कमान 20 तो पांच कमान 100। आंसर तीन की वैल्यू दे रखी है आपको, 60, एक कमान 20 और पांच कमान 100। इसलिए वास्तविक चाल कितनी आ गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर तो देखो क्वेश्चन वही है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इसको। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, फिर आगे लिखो। एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% बढ़ाकर चलता है, तो किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने में उसे कितने प्रतिशत कम समय लगेगा? अभी वो सवाल ऐसे पूछ लिया देखो आपसे। एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% बढ़ा के चलता है, तो किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने में उसे कितने परसेंट कम समय लगेगा? कॉन्सेप्ट वही है। यहां पर अगर आप वास्तविक, अगर वास्तविक और वर्तमान की बात फिर चल रही है यहां पर, अगर वास्तव में चाल को 100 माना जाए तो वर्तमान में बताओ कितनी चल रही है, या 4:1 क्या कह सकते हैं हम? ये तो किसकी बात हुई? चाल की बात हुई। समय बताओ, 5:4 हो जाएगा। यानी पहले 5 समय लग रहा था, अब 4 लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है? एक की कमी आ रही है। एक कम किस पर है, 4 पर या 5 पर? 5 पर। 5 से 4 हुआ है ना, तो 5 में एक ही कमी कर रहे हैं तभी 4 होगा। तो एक ही कमी किस में है? 5 में। कम की तुलना करते हैं ज्यादा से। कम है ये इससे कम है। एक क्या है? कम। अब कम किससे हुआ है? 5 से। कम की तुलना करते हैं अधिक से, और मैं अधिक की तुलना करूंगा तो कम से करनी पड़ेगी। सवाल पूछ रहा है कितने परसेंट कम समय लगेगा, तो ये एक कम लगेगा, तो एक ही कमी किस पर है? 5 पर है, तो परसेंट कम समय 1/5 × 100 का मतलब कितना परसेंट? 20%। बीस परसेंट जरूर नहीं, ऐसी करें इसको आप। आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, a/100 + - a × 100।
परसेंटेज में पढ़ेंगे इसको हम। जिन्होंने परसेंटेज पढ़ लिया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे इसको। इसकी खासियत क्या है फॉर्मूले की कि जब आपको परसेंटेज वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। मतलब 1% आती है हमको, दूसरी वो पूछता है हमसे। वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा वो, और कमी देगा तो मतलब ये बैलेंस कर देता है, महकमा ही ले आता है। अब इसने बोला देखो 25% बढ़ाकर, तो 25/125 बढ़ा के बोल रहा है तो यहाँ प्लस का आएगा, घटा के बोलेगा तो माइनस का आएगा। चिन्ह प्लस माइनस लगा रखा है तो जैसे परसेंटेज वृद्धि की आ रही है तो जोड़ देंगे हम, और कमी की आ रही है तो घटा देंगे हम। तो आपको ये कुछ नहीं करना था इसमें, आप सीधा 25/125 गुणा क्या करते हम 100 करते, बढ़ाकर सॉरी 125 आएगा नीचे, 25/100+25, तो 25 से बताओ कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है, और 5 से कितनी बार कटेगा ये आंसर। वृद्धि आएगी तो कमी का ही आंसर आएगा फिर, और कमी आएगी तो वृद्धि का आंसर आएगा। तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे, ये और शॉर्ट हो गया। ऐसे प्रत्येक सवाल में कर सकते हैं आप, जहां डिस्टेंस हमारी सेम हो, उतनी दूर जा रहे हैं हम, निश्चित दूरी को तय कर रहे हैं हम। जब दूरी समान होती है तभी तो चाल और समय उल्टे होते हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही है। अब देखो वही पैकेट चल रही है अभी, कितने सवाल करा दिए हमने उसी पैकेट पर, 5-6 प्रकार के सवाल हो गए आपके। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक क्वेश्चन और लोग इसी पर, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल को 10% घटाकर चलता है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उसे कितने परसेंट अधिक समय लगेगा? अब इसको डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकते हो ना, कितने परसेंट अधिक समय लगेगा? तो भैया 10/100 - 10 × क्या कर सकते हैं 100, 9 को भागने 11 सही, 1/9% अधिक समय लगेगा। उत्तर, सही है ना? आगे बढ़ूं? चलो आगे। आगे लगो। ए व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर जाने में बी व्यक्ति से 20% अधिक चाल से जाता है,
यदि तो उसे करो, तो उसे तो उसे उस स्थान पर पहुंचने में अठारह मिनट कम लगते हैं। यदि एक ही चाल दोगुनी कर दी जाए तो उस स्थान पर पहुंचने में 10 मिनट ए व्यक्ति किसी स्थान पर जाने में बी व्यक्ति से 20% चाल जाता है, तो पहले चालों का अनुपात निकाल लूं। अगर बी की 100 मानेंगे तो इसकी 120 माननी पड़ेगी। ये चाल की बात आ गई, तो ये 6:1 क्या कह सकता हूं मैं, 5। तो समय बताओ, दोनों का डिफरेंस देखो 18 मिनट कम लगते हैं। कम का मतलब डिफरेंस, एक की वैल्यू क्या हुई 18 हुई, 1 का मान 18 मिनट हुआ, तो बताओ एक का समय क्या आया है? समय तो है ये, वो तो अभी बात की बात है। अभी मैं एक का समय निकालूं कितना आ गया, 90 मिनट आ गया क्या? अगर ए उस स्थान पर जाता तो रियल में कितने मिनट पहुंचता वो, 90 मिनट। अब कह रहा है सवाल की एक ही चाल दोगुनी कर दो। जब किसी व्यक्ति की चाल को हम दोगुना करेंगे तो समय क्या हो जाएगा? अगर मैं किसी व्यक्ति चाल को दोगुना कर दूं तो समय क्या हो जाएगा, आधा। अभी वो 90 मिनट पहुंच रहा है, वो सवाल कह रहा है कि एक ही चाल को दोगुना कर दो, तो 90 की बजाय वो कितने मिनट पहुंचेगा? आंसर हो गया सवाल। यदि एक ही चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसे उस दूरी को तय करने में आधा समय अर्थात 45 मिनट लगेंगे। लगेंगे अब आप देखो ध्यान से, एक तीर से कई शिकार हो चुके हैं आपके, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। सही है क्या?
आगे बढ़े, चलो आगे। एक व्यक्ति जयपुर से दौसा एक निश्चित चाल से जाता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जिस चाल पहले से अधिक है, उसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, अब बताओ तेज कौन सा है इसमें, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला। तो जल्दी कौन सा पहुंचेगा इसमें दौसा? दूसरे वाला। दूसरा व्यक्ति दौसा पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है, और 12 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर दूरी चलने के बाद पहले व्यक्ति से मिलता है, यदि जयपुर एवं दौसा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल बताओ। बहुत ही सुंदर सवाल है। एक व्यक्ति जयपुर से दौसा एक निश्चित चाल से जाता है, उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर पर्यंत अधिक है, उसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, फिर दूसरा व्यक्ति दौसा पहुंच करके तुरंत वापस चल देता है, वो चाय भी नहीं पीता वहां तुरंत, और कितने दूर आया, 12 दूरी और कवर कर ली, तब पहले से मिलता है वो। दौसा कितना दूर है जयपुर से? 60। अब 60 में से वो 12 कवर कर लाया, कौन सा वाला? दूसरे वाला। इसमें दूसरे वाला 60 पहुंच भी गया
और 12 वापस भी आ गया, तो 60 में से 12 कम करो 48, यानी जितनी देर में पहले वाला यानी धीमे चलने वाला 48 चल रहा है, उतनी ही देर में तेज चलने वाला 72 चल रहा है। 60 पहुंच गया और 12 वापस भी तो आ गया उतनी टाइम के अंदर, यही सोल्यूशन है इसका। अब मैंने चाल किसकी पूछी आपसे, दूसरे वाले की, तो लिखो माना दूसरे व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले की क्या माननी पड़ेगी आपको, x माइनस चार माननी पड़ेगी फिर आपको, भाई कम है वो, तेज तो ये है ना, तो उसको चार कम कर लो फिर आप, चार का फर्क है दोनों में। जयपुर से दौसा जाना था हमको और ये दूरी थी कितना किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर और आगे इसमें से आप तो पहले को एक्स मानना पड़ेगा फिर आपको, फिर आंसर नहीं आएगा आपका डायरेक्ट, फिर लास्ट में चार जोड़ना पड़ेगा आपको, मैंने दूसरे की पूछी है और जोड़ना भूल जाते हैं हम, तुम अगर इसको एक्स मानोगे तो इसको एक्स प्लस चार मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा तो अब एक्स की जो वैल्यू आएगी तो वो तो पहले की आएगी ना, मैंने किसी पूछी है दूसरे की, तो एक्स का जो मान आएगा उसमें चार जोड़ो फिर तब तो आंसर आएगा तुम्हारा, इसमें डायरेक्ट आएगा, अब जोड़ना भूल जाते हैं हम, तो हमेशा प्रैक्टिस में रखो इस चीज को, जिसको पूछ रहा है उसी को एक्स मानो, दूसरे को उसके हिसाब से मान लो, मिस्टेक नहीं होगी आपकी, मना जबरदस्ती मिस्टेक हो जाती है इनमें, सवाल करके आते हैं पूरा हम और भूल जाते हैं लास्ट में जोड़ना घटाना। अब मुझे बताओ कि ये 60 पहुंच गया, 12 वापस भी आ गया, तो जितनी देर में पहले वाला व्यक्ति 48 चलेगा उतनी ही देर में दूसरे वाला व्यक्ति कितना चलेगा, 72। तो पहले व्यक्ति द्वारा अड़तालीस किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूसरे व्यक्ति द्वारा 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय समय होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 48 हो गई, चाल इसकी x माइनस 4 हो गई, दूरी 72 हो गई, यहाँ x हो गया 24 से 2 बार 24 से 3 बार, तो 3x माइनस 12 बराबर 2x, या 2x को धर ले आओ तो x की वैल्यू कितनी आगे बताओ, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। यस सॉरी, सही है, ये तो रहा आपका पूरा विधि विधान से, अब इसको डायरेक्ट आप मुंह जवानी कर सकते हैं सवाल को,
कैसे उतार लिया, मुझवानी करते हैं। ये दिमाग में बात आ रही थी कि भाई जयपुर से दौसा 60 दूर है, तो जो तेज चल रहा था वो 60 पहुंच गया और 12 वापस आ गया, तो कितना चला वो तेज चलने वाला, कितना चला 72 किलोमीटर चला, और धीमे चलने वाला कितने चला 48 चला। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 किलोमीटर आ रहा है। ये 24 दूरी ज्यादा तय की है उसने, और चालों का डिफरेंस कितना दे रखा है सवाल में, 4 का, 4 ज्यादा है 4 कम, तो आप 24 में 4 का भाग दो। जब आप दूरी में चाल का भाग देते हैं तो समय आता है ना, तो दोनों के मिलने का समय आ जाएगा तुम्हारे पास। 24 में 4 का भाग दो, 6 घंटे मिल रहे हैं दोनों, कितने घंटे मिल रहे हैं 6 घंटे में। अब किसकी चाल चाहिए तुम्हें, तेज वाले की या धीमे वाले की, तेज वाले की या धीमे वाले की, तेज वाले की, तो 6 का भाग दो इसमें आंसर, और धीमे वाले की चाहिए तो 6 का भाग इसमें दो 8 आंसर। तो दूरियों के अंतर में चालों के अंतर से जब डिवाइड किया जाएगा तो समय आ जाएगा, मिलने का समय, ये मिलने का समय तो है इन दोनों का, तो ये आपका डायरेक्ट ये अंतर आ गया दोनों का। चालों का अंतर कितना था, 4 था, तो मिलने का समय कितना आ गया, मिलने में लगा समय, दोनों को मिलने में लगा समय। चौबीस में 4 का भाग कितने घंटे, तो एक ही चाल या तेज व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति दूसरे पूछिए ना, सेकंड व्यक्ति की चाल। 72 में 6 का भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से हम इसको जल्दी कर लेंगे। दूरियों का अंतर बटे चालों का अंतर समय, ये दूरियों का अंतर हो गया 24, चालों का अंतर दे रखा है 4, तो मुलाकात हुई आपस में कितने घंटे में, 6 घंटे में। 6 घंटे में इसने 72 दूरी तय की थी, इसने 48 दूरी तय की थी, तो इसकी चाल 12 थी, इस चाल 8 थी। ठीक है ना, ये इसको हम जल्दी कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं इसको ऐसे। बढ़े आगे, बढ़े, लिखो एक या ऐसे कर लो आप, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग चार किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कुल 52 मिनट
लगते हैं। तो बताओ वह निश्चित दूरी कितनी है? इसने दूरी के दो पार्ट कर दिए, एक तरफ तो दो और तीन भाग है, फिर शेष भाग बोल दिया इसने। दोनों ही चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, समय आ जाएगा ना। अगर निश्चित डिस्टेंस को तुम x मान लो, क्या मान लो, x मान लें, तो x को हम 2x/3 को हम किस चाल चलेंगे, चार चाल चलेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप माना हुआ निश्चित दूरी, माना वो निश्चित दूरी x किलोमीटर है, तो इस x किलोमीटर का 2x/3 भाग किस चाल से जाएंगे हम, चार की चाल से। शेष दूरी कितनी बचेगी, x/3 बचेगी। x में से इसको माइनस करो, जब x में से 2x/3 माइनस करेंगे हम, तो 3x-2x मतलब x/3 ही तो आएगा। इसमें बताओ चाल क्या है और टोटल टाइम बताओ 52 मिनट हैं, तो मिनट को किसमें बदलो, घंटे। ये दो पार्ट में सवाल है। अब मुझे बताओ ये चार कहाँ जाएगा, चार कहाँ जाएगा, तीन के पास या दो के पास? भाई 2x/3/4 है, तो चार कहां जाएगा, तीन के पास या दो के पास? यही सॉल्यूशन है इसका, बस जहां चूके और गड़बड़। अगर आपको दिक्कत आ रही हो ऐसे कर लिया करो आप, 2x/3 में भाग किसका दे रहे हैं आप, चार, यही तो मतलब है इसका। तो 2x/3 गुणा क्या हो जाएगा फिर, जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये 4/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चार किसके पास गया, मतलब ये कहने का कि ये अकेला चार नहीं है, 4/1 छुपा हुआ है इसमें। अब भार का भार इनटू होता है अंदर का अंदर होता है, तो एक का गुणा होगा 2 से और 4 का 3 से, तो 2x/1 कितना आ गया, और ये x/1 कितना आ गया, बराबर 52/1 कितना आ गया, एलसीएम बताओ, 12 × 7 = 10, 10x तो ये आ गए, 4x ही आ गए, बराबर। अरे यार ये कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसा करो 56 कर लो, 56 मिनट, भाई कटने वाली दूरी मान लेते हैं ना, आप भी सवाल में सही कर लो। ये 56/60 करेंगे तो देखो आज डायरेक्ट कट रहा है, अभी 60 से 60 कट गया, तो 14x/56 इधर ले रहा हूं मैं, तो 14 से 56 कितनी बार कटेगा बताओ, 4 बार आंसर। ऐसे करो इसको,
उतार लिया। चले आगे, अगला लिखो। कई बार ऐसा भी होता है सवाल, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, निश्चित चाल से जा रहे हैं कहीं भी आप, और यदि आप अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाकर चलते हो तो किसी स्थान पर आपको 40 मिनट कम लगते हैं, और यदि आपने उस दूरी को x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया तो समझो 40 मिनट आपको अधिक लगते हैं, तो बताओ निश्चित स्थान कितना दूर है। मतलब 2 कंडीशन आएंगी हमारे पास कि एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर निश्चित चाल से जाता है। निश्चित चाल क्या मान लिया हमने, x जाता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता, नहीं तेज चलता, चलो यहां धीरे कर देते हैं, यहां तेज कर देते हैं, यदि वो 2 किलोमीटर धीरे चलता तो उसको 40 मिनट क्या लगते बताओ, अधिक लगेंगे। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो कम लगेंगे। तो एक्चुअली डबल कंडीशन है ये। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब आपके पास में 2 चालें हों, चालों का गुणनफल और चालों का डिफरेंस करके, समय के डिफरेंस से इनटू करके डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस b1 b2 / b1 - b2 इनटू समय अंतराल, उससे क्या निकलती थी, दूरी निकलती थी ना। तो इस क्वेश्चन में पूछता है वो आपसे, बताओ निश्चित स्थान कितना दूर है, चाल ही पूछ सकता है हमसे, निश्चित चाल क्या है। ऐसा क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर निश्चित चाल से जाता है, जाता है, कितना दूर था पता नहीं, स्पीड क्या थी पता नहीं, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता तो उस स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचता। किससे पहुंचता वो, देरी से। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो उस स्थान पर 40 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बताओ वह निश्चित स्थान कितना दूर है, ये सवाल है। फाइंड द डिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल कंडीशन में आता है, अच्छा क्वेश्चन है।
बस ये है कि यहां पर आपने अपनी फिक्स स्पीड को एक्स मान लिया, डिस्टेंस अपने आप आ जाएगी हमारे पास। ये हम जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम, कि जब आप किसी निश्चित स्थान पर दो चालों से जाते हो, उनका समय का अंतर दे रखा होता है, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल के द्वारा डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है। तो पहली कंडीशन कहती है कि अगर मैं मान लेता हूं कि माना उसकी निश्चित चाल माननी पड़ेगी, अब पहले आपको निश्चित चाल मान लेता हूं मैं, माना कितनी चाल थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिए हम। अब दो बातें हैं, पहली कंडीशन में क्या कर रहा है भाई, x की बजाय अब x माइनस दो से चलो, तो 40 मिनट क्या लगते हैं आपको, क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। दूसरी कंडीशन में x की बजाय x प्लस तीन से चलो, तो 40 मिनट क्या लगते हैं आपको, कम लगते हैं। तो ये दोनों चालें तो हैं हमारे पास, ये डिफरेंस ऑफ टाइम है, तो यहां से दूरी निकल जाएगी, तो यहां से दूरी क्या निकलेगी तुम्हारे पास, x इंटू एक्स माइनस दो बटे चालों का अंतर दो, और समय अंतराल 40 बटे कितना, 60 भाई मिनट है ना, ये इसमें घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, इससे दूरी क्या निकलेगी बताओ, x इंटू एक्स प्लस तीन, और चालों का डिफरेंस 3 इंटू 40 बटे कितना, ये भी 60। ये जरूरी दोनों समय सेम आएंगे, अलग भी आ सकते हैं, समय कोई भी आ सकता है। अब देखो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो ये दोनों दूरी अलग अलग है, सेम है, सेम है, जो दूरी ये है वही ये है, वही तो जाना है हमें। दो कंडीशन बोल रखी है उसने कि अगर धीमे चलोगे तो भैया तेज देर से पहुंचोगे, तेज चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, दो बातें बोल रखी हैं। तो ये दोनों दूरी आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। बराबर कैसे, कि भाई एक्स एक्स माइनस दो बटे दो इंटू 40 बटे 60, एक्स एक्स प्लस तीन बटे तीन इंटू 40 बटे 60, और ये दोनों जगह से कैंसिल, सेम है दोनों जगह, एक्स से एक्स कैंसिल। अब इसमें रह गया तीन बटे में, यहाँ रह गया दो, तीन से इंटू करो इसको, थ्री एक्स माइनस छ बराबर दो एक्स प्लस छ, दो को दल ले आओ और छ को दल ले जाओ, तो बताओ एक्स बराबर कितना गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो निश्चित चाल पूछता हमसे, वो तो आंसर आ गया तुम्हारे पास, आ गया ना। अब इस x के मान को तुम चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, दूरी आ जाएगी ना, तो ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इससे भी डिस्टेंस आ रही है, तो इस चाल को आपको कहीं एक जगह पुट करना पड़ेगा। आप यहां तक उतारो फटाफट जल्दी से, एग्जाम में तो केवल इतना ही काम करते हैं हम, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, ये समझाने बेस पूरा लिखा है मैंने, एग्जाम की प्रोसेस तो यही है, इनको क्यों लिखेंगे हम, दिखाना थोड़ी किसी के लिए हमें। एक्स की वैल्यू आप यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, डिस्टेंस आ जाएगी, एक ही डिस्टेंस आएगी दोनों से, चेक करो, 12 रखो इसमें, 12 यहां आएगा 10 यहां आएगा, 120 में 2 का भाग दो, 60 60 60 करके 40 आएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस आ रही 40 किलोमीटर। अब ये आंकड़े और भी हो सकते हैं, इजी आंकड़े दे रखे हैं बस मैंने आपको समझाने के लिए। सही है ना,
अब मैं दूरी निकाल देता हूं इधर, एक फॉर्मूला कोई भी ले लो आप, एक्स का मतलब इसमें ले लेता हूं मैं, तो एक्स की जगह क्या रखना है, 12, यहां 10 रह गया, यहां 2 रह गया, 40/60, 2 से 6 बार, 60 से 60 गया, आंसर बताओ कितना गया, 40 किलोमीटर, ये इसका उत्तर है। तो एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन तो हम आप केवल ये पार्ट करते हैं हम, और यहीं पर वैल्यू पुट कर लेते हैं कि ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो 12 यहां रखो, देखो 12 × 10 120 का 2, 60 रह गया, 60 60 का आंसर 40, खेल खत्म। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है हल्का सा। इससे वो ये आंसर आएगा, इसमें रख के देखो तो ये आएगा 12, यहाँ का 15, 180 में 3 का भाग दो, वही 60, 60 60 कट गया 40। इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का काम। ओके।